इस बंदे ने खेला बहुत बड़ा गैम्बल। इसने 5000 कारों की एडवांस में बुकिंग करवा ली और अब बायर से कहा कि अगर आपको मारुति कार खरीदनी है और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज का इंतजार नहीं किया जाता मेरे दोस्त, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं। कैसे मैं बताता हूं। रमाकांत आचरेकर, जिन्होंने लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जैसे क्रिकेटर्स को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई थी, 1980 के दौरान एक और स्टूडेंट उनसे क्रिकेट की बारीकियां सीख रहा था जिसका नाम था उदय कोटक। उदय कोटक को फाइनेंस की पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी, इसी वजह से वो क्रिकेट की ट्रेनिंग रमाकांत आचरेकर से ले रहे थे। लेकिन एक मैच के दौरान जब फील्डर ने स्टंप की तरफ वापस से बॉल फेंकी तो वो बॉल गलती से उदय कोटक के सिर पे जाकर लगी, वो इंजर्ड हो गए, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई क्योंकि उन्हें रिकवर करने में काफी समय लग गया। इसी दौरान उनकी फैमिली ने उनसे कहा कि क्रिकेट बहुत रिस्की है, ये तुम्हारा पैशन है लेकिन करियर नहीं हो सकता, तुम अपनी पढ़ाई पे क्यों ध्यान नहीं देते। तो फाइनली उसने क्रिकेट को छोड़ दिया और अपनी फाइनेंस की पढ़ाई पर ध्यान दिया, अपनी MBA पर ध्यान दिया। इसी दौरान उन्होंने इंटर्नशिप करने के लिए FMCG कंपनी हिंदुस्तान लीवर को ज्वाइन किया और इंटर्नशिप खत्म होते ही हिंदुस्तान लीवर से उन्हें एक बहुत अच्छे पैकेज का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने ये पैकेज ठुकरा दिया। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कंपनी का पैकेज ठुकरा देना कोई छोटी बात नहीं होती। उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी कंपनी का ऑफर ठुकराते टाइम उदय ने यही सोचा कि पहले अपने बिजनेस के लिए ट्राई तो कर लें, अगर फेल हुए तो फिर जॉब तो करनी, और इसी वजह से उसने अपनी कंपनी शुरू की जिसका नाम था कोटक कैपिटल मनी फाइनेंस लिमिटेड। बहुत लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ यही शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास कैपेबिलिटीज बहुत है लेकिन उन्हें कभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है मेरे दोस्त, वो कहीं आपके आसपास ही है, उसे ढूंढना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही किया उदय कोटक ने। उदय कोटक का दिमाग बहुत तेज चलता था, वो अपने आसपास कमाने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते थे और अपने हाथ से उन अपॉर्चुनिटीज को जाने नहीं देते थे। 1980 के दौरान उन्हें ऐसी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई थी, वो क्या थी? उस दौरान मारुति 800 कारों का बड़ा क्रेज था, पर अगर आपको ये कार चाहिए तो आपको एडवांस में पूरा पैसा देना पड़ता था लेकिन साथ ही कार की डिलीवरी के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था। अब इस बंदे ने यहीं पे अपना दिमाग चलाया क्योंकि जहां पे समस्याएं होती हैं वहीं पे अपॉर्चुनिटी होती है कमाने की। समस्याएं थी दो, पहला पूरा पैसा देना पड़ता था कार की बुकिंग के लिए, दूसरा 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था। इस बंदे ने खेला बहुत बड़ा गैम्बल। इसने 5000 कारों की एडवांस में बुकिंग करवा ली और अब बायर से कहा कि अगर आपको मारुति कार खरीदनी है और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपको 30% के ब्याज पर लोन देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट था आगे, उन्होंने कहा कि जब आपका लोन शुरू होगा आपको गाड़ी की डिलीवरी तभी दे दी जाएगी, यानी कि आपको 6 महीने का इंतजार करना ही नहीं है। आखिरकार ये इतना बड़ा गैम्बल काम आया और उन्होंने इसमें बहुत पैसा बनाया। फाइनली उदय कोटक के दिमाग के चलते कोटक महिंद्रा पहला ऐसा प्राइवेट बैंक बना जिसे RBI ने बैंक चलाने की अनुमति दी थी। इसीलिए हिम्मत मत हारो, अपॉर्चुनिटीज का इंतजार मत करो, उन्हें क्रिएट करो।